हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चेहरे से दाग धब्बे कैसे हटाएं उसके लिए घरेलू नुस्खा। उसके लिए आपको लेना है आलू, हल्दी और दूध। तो आइए इससे हम बताते हैं आपको कि कैसे चेहरे से पुराने पिंपल्स के दाग धब्बे हटा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2 छोटा आलू। मेरे पास बड़ा आलू नहीं था इसलिए मैंने 2 छोटा आलू लिया है, आप 1 बड़ा आलू भी ले सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से छील लेना है, ऐसे जैसे मैं छील रही हूँ, उसे अच्छी तरीके से छील करके फिर मैं उसको कद्दूकस पे उसको घरर करके उसका रस निकालूँगी। इस तरीके से इसको छीलना है, इससे आपके चेहरे के सारे दाग धब्बे 100% दूर हो जाएंगे। इस तरीके को आपको सप्ताह में 1 से 2 दिन करना है। देखिए मैंने आलू छील लिया है और ये है हमारा कद्दूकस। अब हम इस पे आलू को धो करके कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से और फिर इसका रस निकाल लेंगे। इसे सावधानी से करना है, हाथ में ना लगे। देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है, अब ये दूसरा आलू भी कद्दूकस कर लेते हैं फिर हम इसका रस निकाल लेंगे। दोस्तों इससे आपके चेहरे में कोई भी डार्क स्पॉट सेड नज़र नहीं आएगी, चेहरा एकदम बच्चों की तरह साफ हो जाएगा, पुराने पिंपल्स के दाग धब्बे सभी दूर हो जाएंगे, पूरा चेहरा एक जैसा दिखेगा। अगर आपका चेहरा बिना मेकअप के ही एक जैसा दिखे तो क्या बात होगी। इसीलिए आपको इस तरीके को अपनाना है और मैं ये 100% दावे के साथ कह सकती हूँ आप इसे यूज़ करिए, आपके चेहरे के दाग धब्बे सभी दूर हो जाएंगे। तो ये हमने आलू का रस निकाल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच दूध। ये हमने हल्दी डाल दिया है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच दूध डालेंगे और हमने ये दूध डाल दिया है, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब इस मिश्रण को रुई से अपने पूरे फेस पर लगाना है अच्छे तरीके से। हम आपको दिखाते हैं इसको अपने हाथ पर लगा करके कि कैसे इसको अपने पूरे फेस में लगाना है और 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसको आप गाढ़े से पूरे फेस पे लगा लीजिए और 10-15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद साफ़ पानी से धो लीजिए।